हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे धर्मो रक्षति रक्षिता इस लाइन के बारे में। आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में। तो क्या होता है ये धर्म? क्या धर्म का मीनिंग आज जैसे इसको पोर्ट्रे किया गया है, कोई रिलीजन, कोई संप्रदाय ऐसे होता है? क्या ये सुनने में हमें अच्छा लगता है, इसका धर्म ये है, उसका धर्म ये है? धर्म का जो ओरिजिनल मीनिंग है, इसका जो मूल अर्थ है, वो संप्रदाय या रिलीजन नहीं है। क्योंकि संप्रदाय और रिलीजन वॉल्स ऑफ सेपरेशन क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में, किंतु जो ओरिजिनल मीनिंग है धर्म का, जो मूल अर्थ है, वो सबको एक साथ जोड़ता है, ना ही सिर्फ मानव जाति को बल्कि पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को साथ में जोड़ता है। तो क्या होता है ये धर्म? धर्म मतलब अवर इंटेंडेड कर्म, अवर सोल पर्पस, अवर सोल मिशन। जो कार्य करने के लिए हमने ये जन्म लिया है, हमने ये देह धारण किया है, उसको मैं धर्म की तरह देखती हूँ। यहाँ पे मैं जो विचार रख रही हूँ, ये मेरे खुद के विचार है, ये मेरे अंदर से, मेरी सोल से, मेरे कॉन्शियसनेस से जो आया है वो मैं बोल रही हूँ। ये एक गाइडेड वीडियो है, आई होप आप इससे रेजोनेट करें और इसका आपको कुछ फायदा हो। तो आगे बढ़ते हैं। मैं धर्म को अपना एक इंटेंडेड कर्म, अपना सोल पर्पस, सोल मिशन की तरह से देखती हूँ। जो यहाँ पे धरती पे इंकार्नेट होते हैं, जन्म लेके आते हैं, देह धारण करते हैं, वो किसी ना किसी एक कार्य की पूर्ति के लिए आते हैं। तो क्या है वो कार्य, क्या है वो कर्म जिसको पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं? क्या हम सिर्फ यहाँ पे जन्म लेके, एजुकेशन पूर्ण करके, जॉब करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनका संसार देख के, अपना संसार पूर्ण करके यहाँ से जाने के लिए आए हैं? नहीं, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ चीजें हैं जो हम इस 3D के इल्यूजन में, इस मोह माया में देख नहीं पाते हैं। तो बेसिकली धर्मो रक्षति रक्षिता, इसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करेगा, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। तो क्या है ये धर्म? धर्म है अपना कर्म, अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना, अपने सोल पर्पस के पाथ पे चलना, सत्य के मार्ग पे चलना, प्रेम के मार्ग पर चलना। धर्म कभी भी हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है, धर्म कभी भी सबको एक दूसरे से अलग नहीं करता है, और धर्म कोई रिलीजन या संप्रदाय नहीं है। धर्म का अर्थ है द वननेस, द कॉस्मिक वननेस, द कॉस्मिक कनेक्शन। तो आप सभी अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या है मेरा धर्म, क्या मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ? आपका धर्म कुछ भी हो सकता है। हम सारे यहाँ पे धरती पे आते हैं अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए, बहुत सारे लेसन सीखने के लिए, क्योंकि अर्थ जो है एक स्कूल है। तो इस स्कूल में हम सीखने के लिए आते हैं, ताकि हम अपने कॉन्शियसनेस के लेवल पे आगे बढ़ सके, अपनी चेतना के स्तर पे आगे बढ़ सके, और हम इस 3D के बियॉन्ड जा सके, हम हायर डायमेंशंस में असेंड कर सके। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें बहुत सारी चीजें होती है। हमें पहले खुद से जुड़ना होता है, खुद से कनेक्ट होना होता है। जैसे जैसे हम कॉन्शियसली अवेयर होते जाते हैं, खुद से जुड़ते जाते हैं, अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से जुड़ते जाते हैं, हमें बहुत सारी चीजें पता चलने लगती है। जब से हम यहाँ पे आए हैं, हम बहुत सारे अनुभव करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बट बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे वूंड्स या बहुत सारे ट्रॉमास से हमें गुजरना पड़ता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। वो जो घाव होते हैं उनको हमें हील करना पड़ता है, और उनसे जुड़ी जो मेमोरीज है, जो कड़वी यादें हैं, उनको भी हमें हील करना पड़ता है और उनको लेट गो करना पड़ता है। जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं, हम अपने आप से और जुड़ते जाते हैं, हम अपने आत्मा की, चेतना की स्तर पे आगे बढ़ते जाते हैं। सो कनेक्टिंग टू अवर सेल्फ, अपने आप से जुड़ना, अपने आप को ग्रो करना सोल के लेवल पे, कॉन्शियसनेस के लेवल पे, ये धर्म का एक भाग है। दूसरा भाग क्या है? हम सिर्फ अपने लिए जन्म नहीं लेते, हमारे घर में, हमारे एंसेस्ट्री में, हमारे जो वंश बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम एंसेस्ट्रल पैटर्न बोलते हैं,
बहुत सारा कर्मा चला आ रहा होता है, तो हमें ये भी पूछना है अपने आप से कि इसमें मेरा कुछ रोल है, क्या मैं ये पैटर्न्स ब्रेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर अपने सोल के अंदर से वो आवाज आ रही है आपके, तो आप वो जरूर करें। अपने सोल से, अपनी चेतना से आप जितना ज्यादा जुड़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको अपने अंदर से ही जवाब मिलते जाएंगे, क्योंकि सब कुछ अपने अंदर है, हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, हमें सिर्फ उससे जुड़ना है। तो अगर आपको ये कॉलिंग आ रही है, आपकी सोल बता रही है कि आपको वो रिपीटिंग पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, तो आप वो कीजिए। आपको वो कार्मिक बैगेज क्लियर करना है, वो रिपीटिंग साइकिल्स ब्रेक करने हैं, तो आप वो कीजिए, वो आपका कर्म है। तीसरी बात ये हो गई कि हमें अपने आप को इस तरह से ग्रो करना है कि हम अपने बच्चों के लिए या आने वाले जनरेशन के लिए एक फाउंडेशन की तरह एक्ट कर पाए, जो फाउंडेशन सारे विकारों से या सारी विशुद्धियों से मुक्त हो। तब तक अपने आप पे काम करते रहे जब तक हम इन सारी विशुद्धियों से मुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। तो इसका ये एक एस्पेक्ट मुझे समझ में आता है। नेक्स्ट चीज ये होती है कि हमें 3D में तो हम एजुकेशन लेते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, नए नए स्किल्स सीखते हैं, बट हमें अपनी सोल से पूछना है कि हमें क्या करना है, क्या सीखना है, किससे हमारी सोल को वो तृप्ति, वो फुलफिलमेंट मिलता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, हम अच्छा हमारा एजुकेशन हुआ होता है, अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, अच्छे से पैसे कमा रहे होते हैं, बट फिर भी अंदर से वो सेटिस्फेक्शन, वो फुलफिलमेंट नहीं होता, एक वॉइड फील होता है अंदर से। तो ये वॉइड क्यों है? ये वॉइड तब होता है जब हम अपना सोल पर्पस के पाथ पे नहीं चल रहे होते। तो हमें पूछना है अपने आप से कि क्या मैं अपना सोल पर्पस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी आत्मा, आपकी चेतना आपको जवाब दे देगी, अगर नहीं तो क्या है मेरा सोल पर्पस और उससे अलाइन होने के लिए मुझे क्या करना है। जैसे जैसे हम अपने आप पे काम करते जाते हैं, हम अपने आप से जुड़ते जाते हैं, हम अपने आप को हील करते जाते हैं, हमें चीजें मिलती जाती है, रास्ते खुलते जाते हैं। तो मेरे लिए अपना सोल पर्पस करना, ये एक मैं इसको धर्म की तरह देखती हूँ। तो हम जब ये करना शुरू करते हैं, तो इसके आगे और एक चीज होती है, हमारा जो कर्म है, हमारा जो धर्म है, वो सिर्फ अपने आप के प्रति नहीं होता है, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हम एक भाग है, हमारा धर्म, हमारा कर्म उनके प्रति भी होता है। तो चाहे आप फिजिकली 3D में कोई चीज करें, कोई दान धर्म करें, किसी की मदद करें, पशु पक्षियों के लिए, सृष्टि के लिए कुछ अच्छी चीजें करें, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाए, या फिर आप आध्यात्मिक लेवल पे या एनर्जी के लेवल पे कुछ कार्य करें जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है, उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है। वो रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी अपलिफ्ट करना है। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, हमें अपने साथ औरों को भी ग्रो करवाना है। तो चाहे आप वो 3D के लेवल पे कर सकते हैं, या कुछ अपने आर्ट के थ्रू कर सकते हैं, डांस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर एनर्जी के थ्रू कर सकते हैं, उसका फॉर्म भले कोई भी हो, बट ये भी उसका एक भाग मैं देखती हूँ, अपने धर्म का, अपने कर्म का। और जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो जब हम अपना इंटेंडेड कर्म कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है उसी को हमें धर्म कहना चाहिए या धर्म कह सकते हैं। तो जब हम सच्चाई की, प्रेम के मार्ग पर चल रहे होते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ओन कर रहे होते हैं, अपनी पावर में होते हैं, अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं, और उसको हम ऐसे ओन करते हैं फियरलेसली, इंडिपेंडेंटली, करेजियसली, और उस मार्ग पे हम चल रहे होते हैं, तो मैं उसी को धर्म कहना चाहूंगी। और जब हम अपने आप के ग्रोथ के प्रति, असेंशन के प्रति काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे आजू बाजू के सारे लोग वो भी अपलिफ्ट होते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होता है, पशु पक्षी, नेचर, और अंततः सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड अपलिफ्ट होता है। तो ये एक ऐसे छोटे से स्पार्क की तरह है, एक छोटे से फ्लेम की तरह है, जो हमें अपने अंदर जगानी है। जब हम वो अपने अंदर जगाएंगे और उस पे काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, धर्म के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलते रहेंगे, तो वो ऐसे खुशबू की तरह, एक फूल की तरह,
एक पेड़ की तरह ग्रो होता जाएगा और उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसकी महक या उसके फ्रूट सभी को मिलेंगे। तो जब हम इस स्पेस में काम करते हैं तो भले ही हमें कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितने भी हमारे मार्ग में कांटे आए, बट वो पावर हमें मिलती है उस परब्रह्म से, उस डिवाइन से, वो प्रोटेक्शन हमें मिलता है उन गार्डियन से। क्योंकि ये सिर्फ 3D के बेस पे, पृथ्वी के बेस पे नहीं है, ये एक कॉस्मिक लॉ है, ये एक वननेस है जो पूरे ब्रह्मांड में है। और जब कोई भी किसी अच्छे इंटेंशन से, किसी अच्छे पवित्र इरादे से कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता है या करता जाता है, तो ब्रह्मांड की जो पवित्र शक्तियां है या अपने खुद की ही कर्म की शक्ति, अपने खुद की ही पवित्रता की, सच्चाई की, प्रेम की शक्ति हमारी रक्षा करती है। तो हमें अपने आप से जुड़ना है, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, क्योंकि हम सारे यूनिक है, हम सारे ऑथेंटिक है, अपने आप में ही अलग है। और ये ऑथेंटिसिटी, ये विविधता, हम सब एक दूसरे से अलग है फिर भी हम एक है, यही हम सबको जोड़े रखती है और यही सबसे प्यारी चीज है, सबसे सुंदर है ये। तो अभी ये तो बात हो गई जो अपने धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म की व्याख्या क्या है, इसको कैसे देख सकते हैं, बट क्या धर्म हमें ये सिखाता है कि जो धर्म के पाथ पर नहीं चलते, जो अधर्म के पाथ पर चलते हैं, मार्ग पर चलते हैं, उनका विनाश करता है धर्म, या कोई धर्म के मार्ग पर नहीं चलते तो उसका विनाश करना सिखाता है धर्म? तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है कि धर्म में इतनी शक्ति होती है। धर्म को मैं पवित्रता, सच्चाई, प्रेम की तरह देखती हूँ। तो सच्चाई, प्रेम, पवित्रता में इतनी शक्ति होती है कि जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी भी धर्म रक्षा ही करता है। लेकिन वो कैसे करता है? इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म उनको 3D के लेवल पे भी कुछ हार्म नहीं करेगा या उनपे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे, या ऐसे नहीं है। वो धर्म अधर्म को भी धर्म के राह पर चलना सिखाता है, जिसको हम बायोरिजेनेसिस बोलते हैं, या मतलब जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनको हमें बार बार ये बताते रहना है कि धर्म का मार्ग क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं है कि धर्म का मार्ग क्या है। तो हमारे बताने से, हमारे समझाने से अगर वो समझ जाते हैं तो अच्छी बात है कि वो धर्म के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि उनको पता है फिर भी वो चूज कर रहे हैं अपनी फ्री विल से धर्म के मार्ग पर ना चलना, तब भी धर्म उनकी रक्षा ही करता है। अधर्म के मार्ग पर जो लोग चलते हैं उसके जो भी उन्हें परिणाम मिलते हैं वो भी उन्हें धर्म की तरफ ही लेके जाते हैं। बट अल्टीमेटली ये उस सोल का फ्री विल है कि उसको क्या चूज करना है। धर्म जो है उसको मैं एक डिवाइन पावर की तरह देखती हूँ, एक परब्रह्म की ऊर्जा की तरह देखती हूँ, एक अनंत प्रकाश की तरह देखती हूँ, जो सबको सिर्फ प्रेम, सच्चाई, पवित्रता देना जानता है, सबको अपने साथ लेके चलना जानता है, चाहे वो 3D के लेवल पे हो, एनर्जी के लेवल पे हो, जो भी फॉर्म आपको रेजोनेट करता है उस फॉर्म में आप अपने आप पे काम कर सकते हैं और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने में मदद कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव, लाइट एंड पीस टू ऑल।